नमस्कार दोस्तों, VH न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। इन दिनों सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन ट्रोल हो रहे हैं। ट्विटर पर एक तबका अमिताभ की तारीफ करते नहीं थक रहा है, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बिग बी की मानसिकता पर ही शायद सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन सोनी टीवी पर आने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति शो में प्रतियोगिता महिला से सवाल पूछने के दौरान कुछ ऐसा बोल बैठे जो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने निशाने पर ले लिया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। कौन बनेगा करोड़पति शो के एक एपिसोड में बिग बी ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट से जुड़ा एक सवाल पूछा था। आपको बता दें कि मौजूदा समय में गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। सवाल पूछने के दौरान बच्चन साहब ने गीता गोपीनाथ की खूबसूरती की तारीफ की थी और कहा था कि इतना खूबसूरत चेहरा इनका इकोनॉमी के साथ कोई जोड़ ही नहीं सकता। हालांकि गीता गोपीनाथ ने खुद कौन बनेगा करोड़पति के इस वीडियो कैप्शन को शेयर किया और लिखा कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे भूल पाऊंगी। मैं अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ और यह मेरे लिए बहुत खास है। वहीं सदी के महानायक ने भी गीता गोपीनाथ के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, थैंक यू गोपीनाथ जी, मैंने शो में आपके बारे में जो बोला है वो बहुत ईमानदारी से बोला है। हालांकि बच्चन साहब की यह टिप्पणी ट्विटर यूजर्स को रास नहीं आई और उन्होंने बिग बी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जयदीप मेहता नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि बहुत दुख हुआ कि अमिताभ बच्चन ने सिर्फ आपके लुक की तारीफ की, आपकी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके आगे जयदीप मेहता ने लिखा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर स्क्रीन पर रघुराम राजन या कौशिक बसु होते तो वह ऐसा नहीं कहते। खैर, गीता गोपीनाथ आपको बधाई। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने लिखा कि आपको नहीं लगता कि वह यानी कि अमिताभ बच्चन यहाँ पर सेक्सिस्ट हो रहे हैं? इतना खूबसूरत चेहरा और इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है? एक और यूजर ने लिखा कि कई लड़कियां इकोनॉमिक्स में हैं जो खूबसूरत है, बच्चन को सहसंस्करण अर्थशास्त्र में जाने की जरूरत है। खैर, आपको बता दें कि गीता गोपीनाथ IMF की 11वीं चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट का पदभार संभालने वाली दूसरी भारतीय हैं। तो दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा गीता गोपीनाथ पर की गई टिप्पणी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऐसी छोटी बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए VH न्यूज़ के साथ। नमस्कार।